न्यूज के स्टूडियोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो लोग जो अपनी कोशिशों से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, जो अपने कर्तव्य से नई पहचान बना रहे हैं, उन्हीं को सम्मानित करने की एक पहल है एसआर जिंदल ट्रस्ट। सत्येंद्र दुबे एक ऐसे ही युवा अफसर थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चले, पर अफसोस इस बात का है कि उन्हें अपनी कसम पर डटे रहने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। श्री सत्येंद्र दुबे का क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन के लिए एसआर जिंदल प्राइज दिया गया। सारी जिंदगी वो सच्चाई के लिए लड़े। भ्रष्टाचार उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। वो एक होनहार इंजीनियर थे। 2002 में उनकी नियुक्ति नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुई। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर उनके कंधों पर कोडरमा में चल रहे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के काम को देखने की थी। इस बीच उन्हें वहाँ भारी आर्थिक धांधलियों और भ्रष्टाचार के बारे में पता चला। श्री सत्येंद्र कुमार दुबे ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। श्री सत्येंद्र कुमार की जलाई सच्चाई और ईमानदारी की मशाल की आंच कंस्ट्रक्शन माफिया तक पहुंचने लगी। उन्होंने सत्येंद्र कुमार को डराना धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन श्री सत्येंद्र कुमार अपने फैसले पर डटे रहे। 27 नवंबर 2003 गया स्टेशन से लौटते वक्त सत्येंद्र दुबे पर गोली चली और वो शहीद हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन कैटेगरी में श्री सत्येंद्र कुमार दुबे को मरणोपरांत एसआर जिंदल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। उनके काम को याद किया जा रहा है। इतना ही नहीं।